किसी मंत्री के आने पर चाक चौबंद इंतजाम और चकाचक साफ सफाई, ज्यादातर ऐसा ही होता है ताकि मंत्री जी को खुश किया जा सके। लेकिन एक अस्पताल ऐसा भी है जो मंत्री की उपस्थिति में भी नहीं सुधरता। जी हाँ, यह है ग्वालियर चंबल का सबसे बड़ा अस्पताल जय आरोग्य, जहां मंत्री दौरे के बावजूद चौतरफा गंदगी फैली रही। शुक्रवार को चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ग्वालियर के दौरे पर थी। जय आरोग्य अस्पताल में जिस जगह पर उनका कार्यक्रम था, वहां चारों तरफ गंदगी पसरी थी। इतनी बदबू कि लोग मुंह पर कपड़ा बांधे खड़े थे। बदबू छिपाने के लिए जगह जगह DDT पाउडर डाल दिया गया, लेकिन ये तस्वीरें साफ सफाई की सच्चाई बयां कर रही है। अभी उस व्यवस्था को ये सॉल्व नहीं कर पाए, छोटे छोटे कचरे हाथ गाड़ियों से उड़ा उड़ा फेंक रहे थे, तो हम 3 दिन से इनके ऊपर लगे हुए थे, तो इन्हें आज ये JCB बुलवा पाई है। मैंने भी जानकारी करी थोड़ी सी, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे मंत्री जी चुकी आ रहे हैं इनका उद्घाटन करने के लिए, इसलिए यहाँ से सफाई हो रही है। और भी जगह इसको ऐसा लेना चाहते पर ऐसा है नहीं है। हम उसके लिए 3-4 दिन से लगातार कोशिश कर रहे थे कि कोशिश हो जाए काम, तो वो आज जाके JCB आ पाई है। और तो और अस्पताल उप अधीक्षक डॉक्टर विनय चतुर्वेदी ने खुद ही मान लिया कि मंत्री जी के आने पर साफ सफाई की खानापूर्ति हो रही है। इस टीम में जब उनसे आनन फानन में सफाई का कारण पूछा गया तो उन्होंने स्वयं मान लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए सफाई हो रही है। हेलो भाई, ये आपने जो ये कलई डाल रहे हैं, ये क्या कलई है? ये कलई नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर? ये आपने जो लाइन बनाई है ये ब्लीचिंग पाउडर की, देखा ना जरा, तो लाइन आपने जो बनाई है ये ब्लीचिंग पाउडर की बना दी है, कलई नहीं थी? क्यों कौन लाया एकदम कलई? मेरे को बोला जी कलई है हमारे लिए, आपके लिए ही कलई है? तो ये तो महंगी आती ना गवर्नमेंट से, मतलब नहीं गवर्नमेंट से नहीं, हमने ठेके की तरफ से। तो ब्लीचिंग मंत्री की उपस्थिति के बावजूद सफाई के नाम पर सिर्फ रस उदायगी हुई। मरीज और उनके परिजन कार्यक्रम के बाद भी मुंह पर कपड़ा रखे वहां से गुजरते नजर आए। इससे पहले भी पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव, ADGP राजा बाबू सिंह और कई अधिकारी यहां की अव्यवस्थाओं पर अस्पताल प्रबंधन से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के आने से हालत बदलने की उम्मीद तो थी, लेकिन कुछ सुधार होगा ऐसा नहीं लगता था। कमाल की बात तो यह है कि मंत्री जी ने भी इतनी गंदगी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, ग्वालियर।